गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रश्मि सिंह फ्रॉम वीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच साइंस ऑफ क्लास 8 एंड दिस इज द चैप्टर 4। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर 4 डे बिफोर। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद इट। सो व्हाट इज वी आर गोइंग टू लर्न हियर? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो बच्चों, अब हम जानेंगे, देखिए हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन को समझा, उनके ऑकरेंस को समझा, अब हम जानेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसको आप समझिएगा, अगर मैंने एग्जाम में पूछा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, सो यू हैव टू नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ एंड यू हैव टू ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे तो मेटल्स हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल है पर वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर देखा होगा जो पहले यूज़ किया जाता था, अब तो डिजिटल आ गया है। पहले जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता था मर्क्यूरी थर्मोमीटर कहते थे उसे, उसमें आप देखेंगे मर्क्यूरी का यूज़ किया गया, तो मर्क्यूरी हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉन मेटल्स आपको तीनों स्टेट में मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एग्जाम्पल कार्बन एंड सल्फर, ये आपके क्या हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ये नॉन मेटल है। लिक्विड का एग्जांपल है ब्रोमीन, गैस का ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकेंड प्रॉपर्टी है लश्य। देखो मैंने हमने पहले ही पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं उनके पास मेटलिक लश्यर होता है, मतलब दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, जैसे आपके गोल्ड और सिल्वर हो गए। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास मेटलिक लश्यर नहीं होता, एग्जाम्पल वुड। बट दो एग्जाम्पल ऐसे हैं नॉन मेटल्स के, जैसे ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ये एक्सपेक्शंस हैं, इसमें थोड़े बहुत क्रिस्टल्स रहते हैं, थोड़ा बहुत चमक रहती है। तो आपको ये तो चीज़ याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़ और एक्सपेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्शंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि मर्क्यूरी मेटल है कि नॉन मेटल, तो आपने बोला मेटल, तो अगर मेटल है तो सॉलिड होगा कि लिक्विड? मर्क्यूरी मेटल है बट वो अपने रूम टेम्परेचर में हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एक्सपेक्शन है, अपवाद जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ठीक है। थर्ड है कि हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। देखिए मेटल्स जो नॉर्मली होते हैं वो हार्ड और स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, इसे ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो कि किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है, मतलब कार्बन का ही एक प्ररूप है डायमंड। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। तो देखिए एक्सपेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डेस्ट स्ट्रेंथ दोबारा कहेंगे, मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं उनको नाइफ से कट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आपके ना बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, किसका फॉर्म है डायमंड, डायमंड कार्बन का फॉर्म है, कार्बन का प्ररूप है, बट ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, सबसे पहले मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी समझेंगे। देखिए मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेलिबिलिटी मेटल की एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली जो शीट्स होती हैं, पतली पतली चादर समझ लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम की चादर हो गई, आयरन की चादर हो गई, आप देखते नहीं है बहुत सारे लोग अपने घर के ऊपर डालते हैं, वैसे ही जिसे गांव में पत्रा उतरा कहते हैं, मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थ्री शीट इज नोन एज मेलिबिलिटी। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसे पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे आपने आयरन की शीट्स देखी होगी, एल्यूमिनियम की शीट्स देखी होगी, आपने कभी कोल की शीट देखी है, कोल की, ग्रेफाइट की शीट देखी है, नहीं ना, क्योंकि नॉन मेटल्स ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स के पास ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आप नॉन मेटल पे किसी चीज़ से मतलब किसी जोरदार चीज़ से वो करेंगे, हार्म करेंगे, तो वो टूट जाएगा, ब्रिटल होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आपकी कैसी होती है, ब्रिटल होती हैं, वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसे पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने कॉपर के वायर्स देखे होंगे, गोल्ड सिल्वर का भी यूज़ किया जाए, गोल्ड और सिल्वर के भी पतले पतले तार बनाए जाते हैं इन ज्वेलरीज में, ये सब चीज़ों में।
सो मेटल्स जो होते हैं उनके पास लश्यरनेस होती है, मेटल्स हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं, मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, मर्क्यूरी एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मेटल्स के पास मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ना मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब जैसे कांच, नहीं आपने किसी चीज़ से मारा तो कांच कैसे टूट जाएगा, तो नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं। जबकि मेटल्स ऐसे होते हैं कि आप उस पर जब किसी चीज़ से जोरदार चीज़ से वार करेंगे तो आप उसको पतली शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझेंगे कंडक्टिविटी। सो बेसिकली कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, आपने देखा होगा कॉपर का यूज़ किया जाता है वायर्स में। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने दें। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब उसको बाहर के टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तब भी ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सपेक्शन है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ज़रूरी नहीं, अगर आपने, अगर किसी ने कहा कि दुनिया के सारे नॉन मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप कहना नहीं, सारे नॉन मेटल्स नहीं है, एक है ग्रेफाइट जो कि है नॉन मेटल, पर वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट का यूज़ आपने ग्रेफाइट देखा होगा, पेंसिल में जो लीड बनती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। सोनरस, देखो सोनोरस का मतलब होता है कि जैसे आप वुड ले लीजिए, अगर आपको वुड आपने लकड़ी से कहीं मारा तो आपको रिंग जैसी आवाज़ आएगी टन करके, जैसे आपने स्टील के बर्तन पे मारते हो या लोहे से मारते हो। तो मेटल्स जो होते हैं ना इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है सोनोरस की, कि साउंड मतलब आप जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, आपने किसी चीज़ पे मारा तो टन करके रिंग जैसी आवाज़ आती है, पर नॉन मेटल्स में ये क्वालिटी नहीं होती है। मेटल्स के पास जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम, सोचो सोडियम पोटेशियम है तो मेटल, पर इनके पास एक ये ऐसे एक्सपेक्शन है दोनों कि ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, जबकि है मेटल्स, और इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होती हैं। दो चीज़ एक्सपेक्शंस पाया गया। अगर आपको किसी ने पूछा कि कौन से मेटल्स हैं जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हो, तो सोडियम एंड पोटेशियम। कौन सा मेटल है जिसके लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो सोडियम एंड पोटेशियम, जबकि नॉर्मली मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। नॉन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। एक अगर आप एक चीज़ याद कर लोगे तो आप वो दूसरा, नॉन मेटल ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट ही होगा, बट ग्रेफाइट एंड डायमंड इन दोनों के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ग्रेफाइट में तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल्स वाली है। पहले तो ये लश्यरनेस शो करता है, सेकंड ये बैड कंडक्टर, सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट, और थर्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। डायमंड में भी आपने दो प्रॉपर्टी देखी मेटल्स की, पहला तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है नॉन मेटल, और दूसरा क्या है, इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा, कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी आपके अंदर। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो बेसिकली बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम आपको डायरेक्ट ये बता देंगे कि किससे मेटल्स रिएक्शंस करते हैं और किससे नहीं। इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।